उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थोड़ी सी बारिश में ही स्कूलों में पानी भर गया, जिसके चलते स्कूली बच्चों को स्कूल जाने और वापस आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पानी भर जाने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। बारिश के पानी से स्कूल के पास बने तालाब का पानी स्कूल में भर जाने की वजह से स्कूली बच्चे स्कूल से निकलने के लिए तालाब में गिरे ईंटों को निकाल कर रास्ता बना है। वहीं ये वही स्कूल है जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का घर भी है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। बात आ रही है, हालांकि हम लोग ये प्रयास पिछले एक वर्ष में हमने किया है कि जो भी विद्यालय ऐसे थे जो कि गड्ढे में थे या जहाँ पे जल जमा होता था वहाँ पे पानी वानी मिट्टी डलवा के और इंटरलॉकिंग वगैरह की व्यवस्था करी गई, तो बहुत सारे स्कूल तो सही हो गए। कुछ विद्यालय अभी भी रह गए जहाँ पे इस तरह शिकायत है, उसको हम लोग दिखा दें, वहाँ पर जल जो जमा हुआ है उसको बता देंगे, बच्चों को थोड़ी सहूलियत होगी। विद्यालय पीछे उसमें से चला आता है, नाली बनी है, नाली दोनों ज्वाइंट है, तो उधर का पानी इधर चला आता है और शौचालय नीचे है, तो नीचे होने के कारण बिल्कुल पानी दोनों एक हो जाता है, तालाब का पानी शौचालय में भर जाता है और नाली के पानी बाहर निकल नहीं पाता है। तो पहले तो और दिक्कत थी, लेकिन अब की इंटरलॉकिंग हुई है जिस कारण से कुछ ठीक है। और छत से भी पानी टपकता है, पानी इसमें ज़्यादा बारिश हो जाए तो और दिक्कत होती है, इस समय तो कुछ ठीक है। तो कैसे बच्चे फिर एडजस्ट करती हूँ? बच्चे सर दो कमरे में जो छत ठीक है उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे कल था पानी भरा था कल कमरे में, तो कल उसमें नहीं बैठा है और आज भी बिल्कुल सीलन है, जो कमरे ठीक है उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। शौचालय के क्या हाल? शौचालय नहीं ठीक है, शौचालय तो सर हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, सुबह से आ जाइए जब तक पानी बिल्कुल भरा है आपने देखा, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है जाने के लिए। तो एक तो महिला स्टाफ है हम लोग और पूरे टाइम पानी भरा रहेगा, और सफाई कर्मी की दिक्कत है, बाद में वो आता भी नहीं है, किसी तरह करके हम साफ कराते हैं। नाम क्या आप? मीरा यादव। हम पढ़ने आए थे, सवेरे पार्क से गया था, गिर गए थे, ये देखिए सब भीग गया है, धोते नाम है तुम्हारा? सिंगर।